ज्ञानवापी केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। पूजा बहाल करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत ने दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया था। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर हाई कोर्ट से पहले वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। लेकिन मुस्लिम पक्ष को यहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं की पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा है। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है और संभवतः अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं और हिंदू पक्ष ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। इस दौरान जय श्री राम के नारे के साथ हर हर महादेव का उद्घोष लगाया गया। इस आदेश को हिंदू पक्ष ने सच्चाई की जीत बताया है।